तो भैया इतने बरसों के इंतजार के बाद में आखिर अपने आंखों के सामने आ चुकी है अपनी मारुति सुजुकी जिम्नी। आज की इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं जो हाइप मारुति ने जिम्नी की बनाई, क्या वो सच में बनाने लायक है या फिर जिस प्राइस बैंड में अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे उस प्राइस बैंड में तो देखो 14.5 लाख रुपए इसकी जो है एक शोरूम प्राइस रखी गई है और ऑलमोस्ट जो है 15-15.5 लाख रुपए के आसपास जो है इसका ऑन रोड वेरियंट पड़ेगा जो कि जेटा वेरियंट है। टॉप मॉडल की अगर बात करें तो लगभग 17.5 लाख के आसपास अपन को ये देखने को मिल जाती है। अब 17.5 लाख रुपये में तो भाई क्रेटा, सेल्टॉस और स्कॉर्पियो इनका जो है बेस मॉडल वगैरह भी और मतलब दुनिया भर के ऑप्शंस अपन को देखने को मिलते हैं, तो वो सब छोड़ के क्यों अपन मारुति सुजुकी जिम्नी लें उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। देखो वैसे तो देखो लोग बाग इसको कंपेयर कर रहे हैं महिंद्रा थार से, जो कि करना बिल्कुल एकदम गलत है, क्योंकि देखो गाड़ी का भले ही कैटेगरी सेम हो, टाइप सेम हो, दोनों 4x4 हो, ऑफ रोडिंग व्हीकल हो, लेकिन सेगमेंट वाइज गाइज ये कहीं पर भी जस्टिफाई नहीं करती थार से। मतलब इस गाड़ी का जो लुक है, जो इस गाड़ी के जो डायमेंशन है बहुत ज़्यादा अलग है भाई। मतलब थार थोड़ा सा एक लेवल ऊपर आप इसे कह सकते हो, लेकिन 4x4 ऑफ रोडिंग के अंदर भाई साहब ये गाड़ी जो है उससे ज़्यादा कैपेबल आप कह सकते हो। क्यों, अब उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखो सबसे पहला रीज़न तो इसका ये है कि गाड़ी वेट में काफ़ी ज़्यादा हल्की है। थार देखो बहुत ज़्यादा भारी गाड़ी है, अपनी जो जिम्नी है वो थोड़ी सी हल्की भी है, क्यों इस वजह से जो ड्राई आइस होती है वहाँ पर अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लेती है अपने, जो एक तरीके से देखा जाए जहाँ पर थार नहीं जा पाती, थार जहाँ पर स्लिप करती है अपने वेट की वजह से, वहाँ पर जिम्नी आराम से चली जाती है अपने वेट की वजह से। यही इसकी खासियत थी, इस वजह से आर्मी में इसको इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है। उसी के साथ जो अपन फॉरेस्ट वगैरह में जो पतली पतली सी जगह होती है ना, वहाँ से भी जिम्नी निकल जाती है, थार वहाँ से नहीं निकल सकती, तो थोड़ा सा एक एडवांटेज ही जिम्नी के साथ अपना रहता है। अब भाई अगर आप मैनुअल और ऑटोमेटिक की अगर प्राइसिंग देखोगे ना तो लगभग 1.25 लाख रुपए का फ़र्क है। अब ये मोटा मोटी जो फ़र्क यहाँ पर आया है ये इस वजह से तो आया नहीं क्योंकि इसके अंदर CVT दिया है, क्योंकि भाई जिम्नी है तो यहाँ पर गेयरबॉक्स भी अच्छा देखने को मिलना चाहिए था, तो यहाँ पर कंपनी ने इसके साथ ऑफर किया है आपको टॉक कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स। अब भैया टॉक कन्वर्टर है इसलिए यहाँ पर इसकी ऑटोमेटिक में भी प्राइस बढ़ गई, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो प्राइसिंग में कहीं से भी मैं इसको ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसके हिसाब से प्राइसिंग एकदम बढ़िया है। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे किसी को जिम्नी अगर ओन करनी हो और उसका 4x4 बजट नहीं हो या 4x4 उसको नहीं लेनी, तो उसके लिए एक ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए था एक 4x2 वेरियंट का भी, तो उसके अंदर मतलब आराम से अपना मैनुअल का 1.25 लाख रुपये हटा लो और अपना ये ऑटो ये जो अपना पूरा भी जितना 4x4 का ही इसमें तामझाम लगा है उसका अगर अपन पैसा हटा लेंगे तो लगभग 3 लाख रुपए आराम से अपन सेव कर लेंगे और वही 17.5 लाख वाला वेरिएंट अपन आराम से 14.5 लाख रुपए में ऑफर कर सकते हैं। तो मतलब एक तरीके से उन ऑडियंस को भी टारगेट हो जाता जिनको 4x4 नहीं चाहिए, जिनका काम आराम से 4x2 में चला जाता है। अभी ऐसी कुछ आपको इसकी चाबी देखने को मिलती है भाई, इसके अंदर लॉक अनलॉक दोनों ही आपको फंक्शन देखने को मिल जाते हैं, एकदम टिपिकल वाली मारुति वाली चाबी देखने को मिलती है। लॉक के बटन है, अनलॉक का बटन है, उसके अलावा और कोई भी बटन आपको देखने को इसके अंदर नहीं मिलता। साथ ही साथ यहाँ पर अपन फ्रंट की अगर बात कर लें तो फ्रंट से थोड़ा बहुत मुझे हमर की याद आ रही है भाई, हमर का मिनी हमर थोड़ी सी यहाँ पर लग रही है और मतलब बहुत बढ़िया एक तरीके से गाड़ी का खूबसूरत लुक सा रखा गया है यहाँ पर। यहाँ पर एक अच्छी चीज़ यहाँ पर ये करिए कि ऑफ रोड वगैरह करते हो ना वहाँ पर उस टाइम पे सबसे ज़्यादा गंदे आपके जो है ये हेडलाइट्स होती है, हेडलाइट्स को साफ रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भाई, क्योंकि हेडलाइट्स अगर साफ रहेगी तो आपको एक तरीके से बढ़िया विजन और लाइट्स वगैरह जो है मिलती रहेगी। तो यहाँ पर वॉशर आपको देखने को मिल जाता है जो कि एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर इंडिकेटर देखने को मिल रहा है, नीचे की तरफ फॉग लैंप देखने को आपको मिल गए। उसी के साथ यहाँ पर जो ग्रिल मिल रही है ना इसके अंदर आपको रेक्टेंगुलर के अंदर क्रोम के अंदर डिज़ाइन देखने को मिल जाती है, जो कि बेसिकली मैं बोल सकता हूँ पूरा हमर से इंस्पायर्ड आप कह सकते हो उसको। यहाँ पर जो बम्पर ये ऑल ब्लैक के अंदर आपको देखने को मिलता है, कलर्ड आपको बम्पर देखने को नहीं मिलता, जो कि भाई अच्छी चीज़ भी हो जाती है क्योंकि यार ऑफ रोडिंग के दौरान काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच वगैरह रखने का जो है डर रहता है, उस वजह से अगर ये पेंटेड होता तो इसका कॉस्ट वगैरह थोड़ी सी ज़्यादा आ जाती है, लेकिन ये जो कि आप देख पा रहे हो पूरा मैट के अंदर है तो इसकी प्राइस वगैरह काफ़ी ज़्यादा सस्ती रहेगी, लगभग 2500 के आसपास अपन को देखने को मिल जाएगा। अगर टूट भी जाए तो या फिर उससे भी कम हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर ऑल ओवर आपको जो क्लैडिंग देखने को मिल रही है पूरी, वो आपको एक तरीके से SUV वाला फील दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। हालांकि यहाँ पर आप इसके ऊपर फुट रख के चढ़ नहीं सकते, तो अगर आप फुट रख के चढ़ोगे तो टूट सकता है, तो उसमें वहाँ पर मेंशन भी है कि इसके ऊपर फुट वगैरह ना रखा जाए। यहाँ पर आपको जो है साइड में इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, इंडिकेटर के साथ में यहाँ पे डिज़ाइन देखने को मिल जाती है और ऑल ओवर आपको जो गाड़ी का शेप देखने को मिल रहा है, मतलब ऐसा सीधा जाके ऐसा स्लोप, तो थोड़ा सा 100-120 से ऊपर चलाओगे तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको एक तरीके से हवा का ब्लास्ट जो है अंदर की तरफ फील होने वाला है। उसी के साथ चलते हैं यहाँ पर साइड में, तो देखो आपने वैगनआर देखी होगी 2009-10 वाला जो मॉडल आता था उसके जैसे आपको जो है वो RVM देखने को मिल जाते हैं, हालांकि ये पूरे ब्लैक कलर के अंदर ही आपको देखने को मिल जाते हैं, बॉडी कलर ही है। उसी के साथ यहाँ पर जो देख पा रहे हो आप
ये बड़े सारे कांच हो गए, ये यूवी कट रेज आपके ग्लास है, जैसे अपन ने और मारुति वगैरह के अंदर, नेक्सा के अंदर टॉप मॉडल में देखा है, वो सब आपको देखने को मिल जाते हैं। और आप ये देखो एक बार, कांच है ना यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्पेशियस है, मतलब यहाँ पर एक तरीके से देखो आपको एरी एरी फील होगा अंदर, आपको ऐसे फील नहीं होगा कि यार कहाँ कॉम्पैक्ट सी जगह बिठा दिया मुझे, बिल्कुल डेफिनेटली एरी फील होने वाला है। यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये भी है कि आपको यहाँ पर ये रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर एक लॉक के लिए देखने को मिल जाता है, बाकी आप इसको चाबी वगैरह निकाल के और इसको भी जो है यूज़ कर सकते हो बैटरी वगैरह जब डेड हो जाए आपकी चाबी की। बाकी यहाँ पर आपको साइड से एक बार लुक दिखा दूँ, तो भाई साइड से लुक तो काफ़ी ज़्यादा देखने में बढ़िया लग रहा है, काफ़ी एक तरीके से अच्छी गाड़ी लग रही है, कॉम्पैक्ट सी गाड़ी लग रही है, कहीं से भी निकल जाए कहीं से भी निकाल लो वैसी गाड़ी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ, ये गाड़ी का टायर है और ब्रिजस्टोन के इसके अंदर टायर देखने को मिलते हैं, हाईवे लग्जरी टायर HL वाले जो है टायर इसके अंदर देखने को मिलते हैं। और मतलब मैं आपको बताऊँ, ये वाला इसका प्रोफाइल एकदम बढ़िया परफेक्ट प्रोफाइल है, लेकिन ये वाला जो प्रोफाइल है ना इसका, ये देखो भाई ये थोड़ा सा क्या है, छोटा रख दिया इसको, थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए था डेफिनेटली। मतलब आपको एक चीज़ बताऊँ, ब्रेजा से भी छोटा टायर आपको इसके अंदर देखने को मिलता है, हालांकि ब्रेजा से तो कितनी महंगी गाड़ी है। और यहाँ पर देखो पूरी गाड़ी यहाँ से खुली पड़ी है, मतलब आप पूरी गाड़ी आराम से देख सकते हो। तो मतलब वही वाली बात है ना भाई, मतलब इसके अंदर ऐसा कुछ वो नहीं करा कि जैसे आपने देखा होगा रिपब्लिक डे वगैरह की परेड के अंदर आर्मी कैसे इसको पूरा अलग करके 5 मिनट के अंदर अलग करके और 5 मिनट में वापस असेंबल कर देती है, तो उस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से प्रेफर्ड गाड़ी है। तो इसके अंदर ज़्यादा तामझाम नहीं, ज़्यादा पैकिंग वगैरह नहीं, हालांकि ये रबड़ कोट वगैरह यहाँ पर हो रखा है, अच्छी बात है। ये पूरा रबड़ कोट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, उसी के साथ यहाँ पर हुक आपको देखने को मिल गया, देखो चैचेस के अंदर ही हुक आपका जो है यहाँ पर लगा रखा है। ये डीजल इसका, ये पेट्रोल का टैंक यहाँ पर हो गया है, देखो ये टैंक सेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और नीचे से कवर्ड है बाय द वे, ये नीचे से मैंने देख रखा है, नीचे से कवर्ड आपको देखने को मिल जाता है, सस्पेंशन गाड़ी के होगा यहाँ पर। तो ऐसा कुछ यहाँ पर नज़ारा देखने को मिल जाता है थर्ड रो के लिए। मतलब यहाँ पर एक चीज़ आपको बताऊँ, इसके अंदर हाइड्रोलिक्स जो है इधर भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने मिलता है। और ये देखो मतलब इसकी बिल्ड क्वालिटी तो भाई वही मारुति वाली देखने को मिलेगी आपको। ये देखो इसके अंदर हाइड्रोलिक्स देखने को मिलता है, हाइड्रोलिक्स की वजह से इसके आराम से जो है आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, गाड़ी आराम से जो खुल जाती है। और ये बूट स्पेस देखो इसका भाई, बूट स्पेस आपको गजब का देखने को मिलता है भाई इसके अंदर। यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पर एसेसरीज होल्स, मतलब आपको यहाँ पर होल्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं एसेसरीज वगैरह लगाने के लिए। और यहाँ पर आपको ये सीट अगर फोल्ड करो तो आपको सीट फोल्ड करके दिखाता हूँ एक बार, सीट फोल्ड करने के बाद काफ़ी बढ़िया स्पेस हो जाती है इसके अंदर, बहुत ईजी है भाई इसकी सीट नीचे करना। ये सीट अपन ने नीचे कर दी, एकदम टोटली नीचे हो गई सीट, और आप बूट स्पेस इसकी देख सकते हो, क्या गजब की आपको इसमें बूट स्पेस देखने को मिल जाती है। तो इसको कर देते हैं एक बार ऊपर, और ये देखो बूट ऊपर करने के बाद भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस देखने को इसमें मिल जाती है। यहाँ पर आपको जो है एक सॉकेट देखने को मिल जाता है 12 वोल्ट का, जिसके अंदर आप काफ़ी सारी चीज़ें जो आप करना चाहो, टायर इन्फ्लेटर वगैरह सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। उसी के साथ यहाँ पर आपको लाइट देखने को मिलती है, और भाई ऐसा कुछ आपको पीछे से लुक गाड़ी का देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको हाई स्टॉप लैंप देखने को मिल जाता है इधर की तरफ, और भाई ये वाला थोड़ा सा पार्ट कह सकते हो जी वैगन से इंस्पायर्ड, बाकी फ्रंट से तो इतनी नहीं लगती, आगे से मुझे थोड़ी सी ज़्यादा इसकी जिमनी वगैरह, जिमनी आगे से तो थोड़ी सी अपन को हमर टाइप की लगती है, लेकिन पीछे से इसका थोड़ा सा आप कह सकते हो इसको जी वैगन टाइप का। हालांकि पूरा टायर यहाँ पर आपको देखने को मिल गया, इसका जो टायर है ना भाई इसके अंदर हाईवे लग्जरी टायर है, मतलब ऑफ रोडिंग टायर आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलते। ये जो टायर है पर्टिकुलरली डिज़ाइन उस चीज़ के लिए है कि आप हाईवे पर आराम से लग्जरी तरीके से चल सकते हो, कंफर्ट आपको हाईवे पे बढ़िया मिल जाएगा इन टायरों की वजह से। साथ ही साथ आपको जो है इसके अंदर थोड़ी बहुत सब अर्बन रोड्स पे आप चलोगे तो भी उस टाइम पे ये आपको बढ़िया परफॉर्म कर देगा, थोड़ा बहुत गांव वगैरह के अंदर काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर देंगे, नेक्सा की बैजिंग आपको मिल जाती है। और एक अच्छी चीज़ बताऊँ, यहाँ पर जो हिंजेज है ना थार के अंदर छोड़ रखे हैं, लेकिन इसके अंदर अच्छी तरीके से पैक कर रखे हैं, ये काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे इसके अंदर देखने में लगी। ऑल ग्रिप का यहाँ पर आपको मार्क देखने को मिल जाता है, उसी के साथ यहाँ पर आपको 4 पार्किंग सेंसर देखने को मिलते हैं गाइस, 1, 2, 3, 4 पूरी हैलोजन के अंदर आपको लाइट्स देखने को मिलती है, नंबर प्लेट की पैसिंग नीचे आपको देखने को मिल जाती है, और जिमनी की बैजिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, और बढ़िया सा आपको कांच देखने को मिल जाता है, वॉशर आपको यहाँ पर देखने को मिल गया, वाइपर मिल गया, डिफॉगर मिल गया, ये भी कांच आपको पीछे का ग्रीन टिंटेड देखने को मिल जाता है। फिर आते हैं साइड में, तो यहाँ पर आपको मतलब आपको एक चीज़ बता दूँ, वैसे तो वही बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए पता नहीं, पर इसके अंदर सीएनजी का कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, अगर 4x2 के अंदर सीएनजी का ऑप्शन आता तो भी भाई एवरेज ज़्यादा मिल जाता। और आपको एक चीज़ बता दूँ, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर टाइप हैं या फिर बिल्डरशिप का जिनका काम है वो डेफिनेटली इस गाड़ी को लेते हैं। बताऊँ क्यों, क्योंकि एक तो 5 सीटर हो गई, मतलब 5 सीटर इन द सेंस मतलब प्रॉपर 5 सीटर, मतलब आपके अंदर 5 डोर इसके अंदर देखने को मिलते हैं, 4 तो आगे वाले ये एक बूट पीछे वाला 5 है ना, तो एक तो इसके अंदर आपको 4 डोर देखने को मिल गए फ्रंट के अंदर। उसी के साथ तो एक यहाँ पर एडवांटेज ये हो जाता है कि ऐसी गाड़ी है ना अगर 4x2 के अंदर आ जाए, साथ साथ सीएनजी भी आ जाए ना, तो उसकी सेल्स है ना बहुत गजब जाएगी। उसी के साथ यहाँ पर आपको एंटीना देखने को मिल जाता है, और गाड़ियों में अपन को बीच में देखने को मिलता है, पर ये वही स्विफ्ट वाला एंटीना है जो पहले से आ रहा है। उसी के साथ यहाँ पर ये जो कलर है ना भाई, ये देखो
किस तरीके से यहाँ पे शाइन करता है, मतलब कितना प्यारा कलर यार रात को अंधेरे में शाइन करेगा वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पर पानी की रेल आपको देखने को मिल जाती है, मतलब बारिश वगैरह के अंदर पूरा पानी जो है आपका यहाँ से निकल के और वहाँ से चल जाएगा। उसी के साथ यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये आपका पेट्रोल का टैंक हो गया। और यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो है आपका यहाँ पर, ये देख पा रहे हो आप, ये चेसिस नंबर गाड़ी के यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं भाई। तो इसके अंदर चेसिस नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं। ऑल ओवर प्लास्टिक का पीछे वाला बम्पर भी जो है काफ़ी ज़्यादा हल्का इसका रखा गया है। बाकी साइड से एक बार लुक आपको दिखा देता हूँ, ऐसा कुछ इधर की तरफ से लुक हो रहा है। इसको खोलते हैं, खोल के एक बार चलते हैं अंदर। तो अंदर जाते भैया काफ़ी हल्के गेट हैं भाई। यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ, कोई भी बॉटल होल्डर वगैरह आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। मैगजीन होल्डर है जो आप रख सकते हो यहाँ पे, बस आपका ये हैंडल हो गया, ये आप गेट खोलने का हो गया। पूरा प्लास्टिक का आपको हर जगह सामान देखने को मिल जाएगा गाड़ी को, जैसे ही आप गाड़ी के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर भाई एक चीज़ बताता हूँ, सीट्स इसकी इतनी ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, इतनी ज़्यादा चौड़ी नहीं है। और चाबी भी रखनी है ना तो भी भाई यहाँ पर या फिर यहाँ पर रख सकते हो, कोई ऐसी डेडिकेटेड फ़ोन या चाबी रखने की जगह नहीं है भाई। अब सबसे पहले तो भाई मैं देखूँ, देखो यहाँ पर स्पीकर हो गया अपना। यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये है कि इसके अंदर आपको पुश बटन स्टार्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिर आप चाबी रखोगे कहाँ, यहाँ तो यहाँ पर रखोगे या फिर जेब में रखोगे या फिर इधर रखोगे, इधर कोई रखता नहीं है, इधर रखना थोड़ा सा, चलो इधर रख दिया कोई बात नहीं। पर फ़ोन यहाँ पर कैसे आएगा, फ़ोन की यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो फ़ोन रखने की यहाँ पर स्पेस नहीं है एक तो। दूसरी बात, यहाँ पर 17.5 लाख रुपये का टॉप एंड वेरियंट है, यहाँ पर आपको ऑटो ड्रीविंग IRVM नहीं मिल रहा, ठीक है। अब ऐसे मत बोलो कि भाई ये ऑफ रोडिंग व्हीकल है, ऑटो ड्रीविंग IRVM भाई चलेगी तो रस्ते में ना। यहाँ पर आपको कांच देखने को मिल गया, ये अच्छी चीज़ है। इधर भी आपको कांच देखने को मिल गया, ये अच्छी चीज़ है। इसके अंदर कोई कॉस्ट कटिंग नहीं करी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर लाइट्स अपन को देखने को मिल गई, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सनग्लास होल्डर आपको देखने को यहाँ पर रख ही नहीं सकते आप कहीं पे, ऑफ रोडर तो भाई सबसे ज़्यादा सनग्लास कैरी करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल गया, जो कि अच्छी चीज़ है। गाड़ी का AC नो डाउट बहुत अच्छा होगा क्योंकि मारुति है। और यहाँ पर एक बार इग्निशन अपन ऑन कर ले, इग्निशन ऑन कर लेंगे तो भाई ये देखो ऐसा कुछ आपको इसका स्पीड मीटर देखने को मिलेगा। स्पीड मीटर देख के आपको पूरी जिमनी की याद आ गई। यहाँ पर आपको लेफ्ट और राइट का दोनों का बता देगा कि भाई किसका जो है यहाँ पर सीट बेल्ट लगा हुआ नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर टाइम मिल गया, यहाँ टेम्परेचर मिल गया, लो फ्यूल की वार्निंग आपको मिल गई। ओके, गुड आफ्टरनून, ये ओके, ये देखो ये बोलती है। तो मारुति के अंदर वही वाला सिस्टम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका एक बार आपको स्पीकर सिस्टम भी सुनाऊंगा। बाकी ये अपना RPM मीटर हो गया, या आपका स्पीड मीटर हो गया। उसी के साथ यहाँ पर आपको जो है वॉशर देखने को मिल गया, लाइट वाला जो वॉशर है ना वो यहाँ पर देखने को मिल गया। ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल गया, पुश बटन स्टार्ट यहाँ पर मिल गया, ये RPM के कंट्रोल्स आपको मिल गए यहाँ पे। और यहाँ पर नीचे की तरफ क्या है भाई, नीचे की तरफ कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, सब डमी बटन है। और यहाँ पर अपना रेस ब्रेक और ये क्लच वगैरह सब आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मतलब यार दो तीन चीज़ों की कमी लगी है। देखो यहाँ पर आपको दो बॉटल होल्डर तो मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, बॉटल होल्डर के नाम पे यहाँ पर मतलब आधी आधी लीटर की दो बॉटल आ जाएगी, चलो ठीक है। लेकिन वहाँ पर आपको बॉटल होल्डर देखने को नहीं मिलता, वहाँ पर सिर्फ आपको मैगजीन होल्डर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर स्पेस भाई गाड़ी की, नो डाउट गाड़ी की स्पेस के मामले में तो जीत है गाड़ी के अंदर भाई। मतलब एक तरीके से हाइट गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, कोई लंबा इंसान है तो आराम से ले सकता है। और सबसे अच्छी चीज़ बताऊँ आपको, यहाँ पर जो फील आ रहा है ना प्रॉपर ऑफ रोडिंग का, इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर पूरा SUV वाला फील आ रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पर देखो बोनट आपका विजिबल है, साथ ही साथ आपके वाइपर पूरे विजिबल है। तो मतलब पूरा आपका रिजिड SUV वाला फील है इस गाड़ी के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपको ये कांच वगैरह ऊपर नीचे करने हैं, उसके आपको जो है फंक्शन देखने को मिल जाते हैं। उसी के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ और ऑन का बटन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, हिल डिसेंट कंट्रोल आपको यहाँ पर मिल गया। और ये भी आपको ये ऑटोमेटिक के अंदर देखने को मिल जाती है, मतलब ये जो है आपको ऑटो डाउन और ऑटो अप का इसके अंदर फंक्शन देखने को मिल जाता है, ऑटो डाउन ऑटो अप दोनों मिल गया, चलो अच्छी बात है। यहाँ पर आपको कोई भी इसके अंदर ये USB पोर्ट है आपका, कोई भी इसके अंदर ऐसा कवर देखने को नहीं मिलता। इसके अंदर ये 12 वोल्ट का सॉकेट मिल गया। बाकी यहाँ पर पता नहीं क्या रखने की जगह है भाई, चाबी रख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। उसी के अलावा उसके अलावा फ़ोन वगैरह तो किसी का डेफिनेटली नहीं आने वाला। और ये देखो भाई मारुति के अंदर पुरानी ओमनी, पुरानी मारुति 800 वाली पूरी वाइब आ रही है। देखो भाई क्या बढ़िया आपको गेयर बॉक्स इसके अंदर देखने को मिलता है। और ये पूरा ये देखो वही अपनी मारुति वाली, मतलब पूरा रिजिड SUV बनाया भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर 800 वाले ग्लोव बॉक्स आपको देखने को मिलता है, तो मतलब 800 की यादें यहाँ पर ताज़ा हो गई। यहाँ पे 4x4 का आपको जो है सिग्नल आपको देखने को मिल जाता है। उसी के साथ यहाँ पर क्या कुछ आपको और इसके अंदर देखने को मिलता है एक बार बताता हूँ। देखो तो यहाँ से तो आप इसका ये इल्यूमिनेशन कंट्रोल कर सकते हो, इसका ब्राइटनेस तेज़ ज़्यादा कर सकते हो। इसको दबाएंगे तो इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी आ जाएगी आपकी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी आ जाएगी आपकी, रेंज बता देगा आपको, आपको एवरेज स्पीड बता देगा, ड्राइविंग टाइम बता देगा,
और बस फिर ब्लैंक हो गया। उसके साथ यहाँ पे ट्रिप का आपको बटन देखने को मिल जाता है। कंट्रोल्स करें, यहाँ पे कंट्रोल की बात करें तो वही आपको स्विफ्ट वगैरह वाला स्टेयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है, मीडिया के कंट्रोल्स, यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल्स, यहाँ पर ब्लूटूथ के कंट्रोल्स और लेदर रैप्ड स्टेयरिंग व्हील है तो भाई काफ़ी बढ़िया इसकी जो ग्रिप है वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पर आपको वाइपर देखने को मिल जाता है, रियर वाइपर, फ्रंट वाइपर सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसी के साथ आपको काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फंक्शन भी देखने को मिल जाते हैं, मतलब आपको कितना वाइपर किस स्पीड से चलाना है, किस स्पीड से नहीं चलाना सब आपको यहाँ पे बता देगा। गाड़ी के अंदर जो सीट्स यहाँ पर दी रखी है आपकी पूरी फैब्रिक सीट्स आपको देखने को मिलती है, लेदर राइट कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर आपको रियर का भी फंक्शन इधर से देखने को मिलता है, मतलब फ्रंट के तो आपको यहाँ पर विंडो देखने को मिलते हैं, फ्रंट विंडो के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, रियर विंडो के कंट्रोल आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, बाकी आपको चाइल्ड लॉक भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है, वाइपर आप और ये बढ़िया हैंड ब्रेक आपको देखने को मिल गया। ये भैया अपना हो गया 2H 4L 4H, मतलब आपको पूरा एक तरीके से 2H पे तो आप आगे से ले जा सकते हो, 4H आपने बीच में कर दिया, फिर उसको प्रेस करना पड़ेगा, प्रेस करने के बाद ये 4L पे जो है जाएगा, तो यहाँ पर ये 4x4 के लिए हो जाता है भाई, काफ़ी बढ़िया 4x4 के लिए आपको यहाँ पर नॉब देखने को मिल जाता है। उसी के साथ ये है आपकी गाड़ी का कुछ रियर का, रियर आपको लेके चलता हूँ, रियर का बताता हूँ आपको एक बार, बटन कर देते हैं यहाँ से अपन, इग्निशन करते हैं बंद, चाबी अपन यहाँ पर रखी हुई है और गाड़ी के अंदर आपको दो एयरबैग यहाँ पर देखने को मिलते हैं और दो एयरबैग आपको सीटों के अंदर भी देखने को इधर और इधर मिल जाते हैं, मतलब आपको गाड़ी के अंदर 4 आपको एयरबैग आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिलते हैं। गाइस खोला अपन है रियर, रियर के अंदर आपको यहाँ पर भी जो है कांच के ऊपर नीचे विंडो कंट्रोल यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाते हैं, पूरा प्लास्टिक ऑल ओवर हो गया, ये आपको ग्रैब हैंडल हो गया, यहाँ पर अपन ने रियर के अंदर खोला और आपको बताता हूँ गाड़ी के अंदर स्पेस के मामले में कोई कमी नहीं है। हालांकि आप अगर कंपेयर करो थार से तो भाई थार से थोड़ी सी छोटी सीट है, थार के अंदर थोड़ी बड़ी सीट आती है, थार से छोटी सीट यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर लाइट देखने को मिल जाती है, पर प्रैक्टिकल थार से ज़्यादा है देखो, क्योंकि आप ये फैमिली कार आप कह सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो है 4 डोर हैं, उसके अंदर 2 डोर हैं तो फिर कई बार लेडीज़ को और थोड़े से ओल्ड एज लोग होते हैं उनको छोड़ने में थोड़ी तकलीफ होती है, तो मतलब अगर मैं मेरे फैमिली को थार दिखाऊँ ना तो रिजेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि यार भाई फैमिली कार नहीं है, अगर कभी मम्मी वगैरह को जाना होगा तो इतना ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं उतरना करना, हालांकि छठ उतर सकते हैं लेकिन कन्वीनियंट नहीं है, ठीक है। उसी के साथ यहाँ पर ये देखो ये आपको रियर स्पेस देखने को मिल जाती है, रियर के अंदर 2 जने आप आराम से बिठा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हालांकि चौड़ी इतनी नहीं है लेकिन लंबाई में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये पूरी जो सीट है काफ़ी पीछे हो रखी है लेकिन फिर भी मेरे पास काफ़ी सारी स्पेस यहाँ पर बची हुई है, अगर मैं इधर भी बैठ जाऊँगा आगे वाली सीट आराम से एडजस्टेड है तो भी मेरे पास यहाँ पर काफ़ी स्पेस होगी, तो स्पेस के मामले में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एयरबैग आपको इधर और इधर, मतलब 4 एयरबैग गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाते हैं, ऐसा कुछ आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाता है इसका। इसको खोलते हैं अपन और चलते हैं बाहर, तो भाई चढ़ने उतरने में थोड़ी सी यहाँ पर मुझे दिक्कत हुई क्योंकि थोड़ा सा जो इस तरीके का डिज़ाइन है तो यहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है, हालांकि देखता हूँ ये आगे पीछे हो जाती है, नहीं ये आगे पीछे नहीं होगी, सीट एडजस्टेड जैसे कैसे ही रहेगी, तो उसको करते हैं बंद। यहाँ पर अपन ने बोनट खोला, ये पूरा इंजन भी यहाँ पर देखने को मिलता है। उसी के साथ ये देखो नीचे की तरफ भाई, यहाँ पर कोई भी आपको जो है गार्ड वगैरह नीचे की तरफ देखने को नहीं मिलता, फ्यूचर के अंदर कभी ऑफ रोडिंग वगैरह करता हूँ तो नीचे ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि कुछ पत्थर वगैरह लगे, तो यहाँ पर ये चीज़ का खतरा है, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ गार्ड वगैरह देना चाहिए था भाई, ज़्यादा बढ़िया रहता सर, अगर मारुति इसके अंदर 4x2 ऑप्शन दे देता ना तो भाई ये गाड़ी दिल जीतती और मतलब सेल्स तो उसकी अभी भी बहुत तगड़ी फाड़ होने वाली है, लेकिन तब तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाते, 4 चांद लग जाते सेल्स के अंदर, मैं सही बता रहा हूँ, डिलीवरी करना भारी पड़ जाता, इतनी ज़्यादा डिमांड इस गाड़ी की रहती है अगर 4x2 में आ जाती। तो इस वीडियो में इतना ही था, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मिलते हैं किसी वीडियो के अंदर, जब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।